हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता आप सभी का स्वागत करती हूँ मैजिकल शब्दंक में। आज मैं आपसे कैम्फर यानी कपूर के कुछ चमत्कारी उपाय शेयर करूँगी। पहला उपाय है, अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी और शांति चाहते हैं तो एवरीडे सुबह और शाम को कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और उसकी खुशबू को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा उपाय है, अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो उसे दूर करने के लिए आप 36 साबुत लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा का पाठ करते समय हवन में आहुति दें। मान्यता है कि अगर आप घर में कपूर जलाते हैं तो आपका पितृदोष खत्म हो जाता है। एवरीडे 3 बार सुबह, शाम और रात के वक्त घी में भिगोया हुआ कपूर जलाने से पितृदोष में शांति मिलती है। चौथा उपाय है, अगर आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं, अपनी इनकम में ग्रोथ लाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 फूल वाले लौंग और 2 कपूर के टुकड़े को रखकर जला दें। इसे आपको 21 दिनों तक लगातार करना है और यदि आपसे एवरीडे पॉसिबल होता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसे आप किसी भी थर्सडे यानी गुरुवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवा उपाय है, वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक बोल में कपूर के कुछ टुकड़े लेकर वास्तु दोष वाले स्थान पर रख दें। कपूर जब खत्म हो जाए तो वहां कपूर के नए टुकड़े रख दें। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करने से वास्तु दोष धीरे धीरे दूर हो जाता है। छठवां उपाय है, धन की प्राप्ति के लिए आप सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद पूजा पाठ कर लें। इसके पश्चात पूजा स्थल में आप एक बोल में एक गुलाब और एक टुकड़ा कपूर का रख दें। शाम के समय इसे जला दें और जो बची हुई फूल होगी उसे आप माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इसे आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, बट 43 डेज लगातार आपको इस उपाय को करना है। अगर आप ये नवरात्रि के दौरान करेंगे तो ज़्यादा असरदार होगा। इस उपाय को करने से आपका रुका या फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। सातवां उपाय है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच हमेशा मन मुटाव बना रहता है और रिश्ते में कड़वाहट आ गई है तो इसके लिए आप अपने बेडरूम में कपूर के कुछ टुकड़े को सिरहाने रखकर सोएं या पिलो के नीचे रखकर सोएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और आपके पार्टनर के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे रहते हैं। और अब आखिरी उपाय, अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, गुड लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कपूर के तेल की 1 या 2 बूंद को नहाने के पानी में मिलाएं और इसी से स्नान करें। ऐसा करने से गुड लक तो आएगा ही, साथ में आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। इस उपाय को आप किसी भी सैटरडे यानी शनिवार से स्टार्ट करें एंड देन एवरी डे करें। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Stay happy and blessed. Take care and ta-ta.